आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र भावना को महिलाओं में जागरूक करने के लिए इन दिनों विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्र सेविका समिति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करने एवं आजादी का महत्व पर प्रकाश डालते हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मध्य में वीरांगना लक्ष्मीबाई की एक लघु नाटिका आयोजित की गई। इसी के साथ अन्य नाटकों के माध्यम से यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी कुर्बानी देने के बाद हासिल हुई है तथा प्रत्येक भारतीय नागरिकों को इन क्रांतिकारियों का अनुसरण करना होगा, तभी हमारा देश भारत सोने की चिड़िया पुनः बन सकता है। कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पिछले 4 सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी महाविद्यालयों की छात्राओं को प्रतिभागिता उनकी कराई जाती है। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारी जो नव संस्कृति, नव जो हमारे बच्चे हैं, युवा जो पीढ़ी है, वो बहुत भ्रमित हो रही है, वो पाश्चात्य शैली की ओर बढ़ रही है। तो उन बच्चों में अपने देश के प्रति उनको जागरूक करना, देश की संस्कृति के प्रति उनको जागरूक करना, अपने सनातन धर्म के प्रति उनको जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात यह है कि महिलाएं एक नहीं दो परिवारों को संचालित करती हैं, और यदि उनमें ही संस्कार नहीं होंगे तो आगामी पीढ़ी जो है, हम उनको भी एक श्रेष्ठ दिशा नहीं दे पाएंगे, और अपने भारत के प्रति जो हम में भाव होना चाहिए वो हम उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसीलिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, जिसमें इन्होंने जो निबंध पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें उन्होंने रखा था स्वतंत्रता की पोर, और जो निबंध प्रतियोगिता लिखी रखी गई थी उसका था 1857 का स्वतंत्रता समर। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने आज़ादी इतनी आसानी से नहीं पाई, न जाने कितने वीर शहीदों ने इस भारत को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और आज हम पुनः उसी पाश्चात्यकरण संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। तो अपनी इन चीज़ों पर अंकुश लगाएं, और एक 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष निवेदित करना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए ही है, तो उन महिलाओं को भी मैं उनमें जोश भी भरना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ कि नहीं असाध्य मुझको कुछ भी, नहीं असाध्य मुझको कुछ भी, मैं भारत की नारी हूँ, इस माटी की शान हूँ मैं, इस माटी की शान हूँ मैं, इस माटी को प्यारी हूँ, और लक्ष्मीबाई हाड़ा रानी पद्मावती का जौहर हूँ, लक्ष्मीबाई हाड़ा रानी पद्मावती का जौहर हूँ, और शीतल बर्फ ना समझो मुझको, मैं शोला चिंगारी हूँ, मैं शोला चिंगारी। प्रत्येक महाविद्यालय से करीबन 20-25 प्रतिभागिताएं बच्चों की छात्राओं ने ली है, जिसमें केआर महाविद्यालय, आरसी महाविद्यालय, खजानी वुमेन पॉलिटिकल, बीएसए कॉलेज, बहुत सारे महाविद्यालय की छात्राओं ने इतनी संख्याओं में सहभागिता की है। आज राष्ट्र सेविका समिति का महाविद्यालयीन तरुणी विभाग ये तरुणियों के बीच में कार्यक्रम ले रहा है। जिस तरह से समिति का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक भारत की प्रत्येक स्त्री के अंदर देशभक्ति का भाव भरना, वो घर में काम करती है तो भी काम करते हुए भी उसको अपने देश का विचार होना चाहिए, वो ऑफिस में काम करती है, विद्यालय में कहीं भी काम करती है तो उसके मन में देशभक्ति का भाव हो, यह भाव लेकर अपना संगठन समाज जीवन में काम करता है, तो बच्चियों में भी यह संस्कार आए। इसलिए महाविद्यालय की जो बच्चियां हैं, जो घरों से दूर रह करके भी पढ़ती हैं, उनके अंदर भी ये भाव आए, तो तरुणी विभाग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले 4-5 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम इस कार्यक्रम को आयोजन करने से पहले भी बहुत सारी तैयारियां करते हैं,
हम महाविद्यालयों में जाकर के हमारा जो तरुणी विभाग की युवतियाँ हैं वो वहाँ संपर्क करती हैं, वहाँ पर कुछ विषय को लेकर के प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। जैसे इस वर्ष भी कला के क्षेत्र में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य भी ऐसा था, उसका विषय रखा गया था स्वतंत्रता की भोर, क्योंकि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वाला वर्ष है, इसलिए उस पर लोगों ने निबंध रखे, उन बच्चियों ने उसके माध्यम से उसमें प्रतियोगिता में सहभागिता की और आज वो कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विद्यालयों के में ही उनका प्रथम द्वितीय स्थान चयन किया गया और वो बच्चियां यहां पर आज पुरस्कार पाएंगी। हमने जो वक्ता बुलाई है उनको भी विषय दिया है स्वामी विवेकानंद के चिंतन में स्वतंत्रता का महत्व, महिलाओं का योगदान, ऐसा एक विषय दिया है जिस पर वो बहनों को कुछ अपने मार्गदर्शन के माध्यम से कुछ बताएंगी। स्वामी विवेकानंद और विभिन्न क्रांतिकारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी बच्चियों को जानकारी में आए, इसलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और महाविद्यालयीन तरुणी विभाग राष्ट्र सेविका समिति का पूरे भारत में काम कर रहा है, क्योंकि यह संगठन अखिल भारतीय संगठन है और यह पूरे भारत में काम कर रहा है, तो कहीं कहीं इसकी शाखाएं जहां सक्रिय हो गई हैं वहां इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित होते हैं।